भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल में वापसी की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के 1958 में विमान हादसे के बाद उबरने से तुलना कर सोशल मीडिया पर विवादों में फंस गए हैं। साल 1958 में म्यूनिख में हुए भयानक विमान हादसे में 23 लोग मारे गए थे, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के 8 खिलाड़ी शामिल थे। चेन्नई टीम का आईपीएल से 2 साल का निलंबन गत 14 जुलाई को समाप्त हो गया था, जिसके बाद ये टीम अब अगले साल आईपीएल के 11वें सीजन में खेलेगी। चेन्नई टीम के लिए 2009 से 2015 तक खेलने वाले अश्विन ने कहा, मुझे लगता है कि 2 वर्ष के निलंबन के बाद चेन्नई की अहमियत उसी तरह बढ़ जाएगी जिस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उस हादसे से उबरने के बाद वापसी की थी। मैं नहीं जानता कि आगे ये उसी तरह की लीग रहेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि चेन्नई में लोग और दुनिया भर से प्रशंसक टीम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है ये वापसी अच्छी रहेगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उस दुर्घटना के हादसे से बचे 2 खिलाड़ियों बॉबी चार्ल्टन और बिल फॉक्स के साथ 10 साल बाद यूरोपियन कप जीता था। अश्विन की इस तुलना ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है और कई लोगों ने इस पर अपना गुस्सा निकाला है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।